बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग की क्या पोजीशन रही है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। फॉरेनर्स जो है वो आज भी नेट बायर थे, 1.94 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग हुई है फॉरेनर्स ने, 12.9 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस सेलिंग और 11.05 मिलियन यूएस डॉलर की क्रॉस सेलिंग, नेट बाइंग जो है 1.94 मिलियन यूएस डॉलर। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ही मेन बायर थे 1.86 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 0.07 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। लोकल्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड आज के टॉप बायर थे, 2.17 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। कंपनीज ने भी 1 मिलियन की बाइंग है, जबकि बैंक्स ने 0.41 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो ब्रोकर्स जो है वो मेन सेलर थे 1.73 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, इंश्योरेंस ने भी 1.32 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 1.19, इंडिविजुअल ने 1.13, जबकि एनबीएफसी ने भी 0.15 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। सेक्टर वाइज देखें तो सीमेंट सेक्टर में जो है वो फॉरनर्स ने सेलिंग की है, लोकल्स में से इंश्योरेंस बड़ा सेलर था 2.31 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, इंडिविजुअल ने भी सेलिंग की है, बाइंग जो है वो म्यूचुअल फंड, बैंक्स और कंपनीज ने की है सीमेंट्स में। फर्टिलाइजर सेक्टर में फॉरनर्स की तरफ से बाइंग हुई है, लोकल्स में जो है वो इंश्योरेंस ने सेलिंग की है और म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है, बाइंग जो है वो इंडिविजुअल और कंपनीज ने की है। फूड सेक्टर में भी फॉरनर्स ने जो है वो बाय किया है, लोकल्स में से ब्रोकर्स सेलिंग पे थे, म्यूचुअल फंड ने सेल किया है, बाइंग जो है वो इंडिविजुअल और बैंक्स ने की है। ईएनपी सेक्टर में भी फॉरनर्स ने जो है वो सेल किया है, लोकल में से इंडिविजुअल बड़े सेलर थे 1.20 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, इसके अलावा ब्रोकर्स ने भी सेलिंग की है, बाइंग जो है वो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और कंपनीज ने की है। ओएमसी सेक्टर में फॉरनर्स ने जो है वो बाय किया है, लोकल्स की बात करें तो इंडिविजुअल बड़े बायर था ओएमसी में 2.05 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, ब्रोकर्स ने भी बाइंग की है, सेलिंग जो है वो बैंक्स, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस की जानिब से हुई है। पावर सेक्टर में भी फॉरनर्स ने जो है वो बाय की है, लोकल में से बैंक्स ने जो है वो सेलिंग की है और साथ में इंश्योरेंस ने भी सेलिंग की है, बाइंग जो है वो म्यूचुअल फंड और ब्रोकर्स ने की है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो फॉरनर्स ने जो है वो बाय किया है, 1.12 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग है, लोकल में से इंश्योरेंस ने सेलिंग की है और बैंक्स अब्लिक डीएफआई की तरफ से सेलिंग है, बाइंग जो है वो म्यूचुअल फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने की है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी फॉरनर्स की तरफ से बाय हुआ है, लोकल में से इंडिविजुअल बायर थे, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है, सेलिंग जो है वो ब्रोकर्स, कंपनीज और बैंक्स ने की है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी फॉरनर्स ने जो है वो बाय किया है, लोकल में से कंपनीज जो है वो बाइंग साइड पे थी, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है, जबकि सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल और बैंक्स ने की है, ब्रोकर्स ने भी टेक्सटाइल में सेलिंग की है। अदर सेक्टर की बात करें तो फॉरनर्स ने जो है वो यहाँ भी बाइंग की है, लोकल में से जो है वो इंश्योरेंस बड़ा बायर था 1.40 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, जबकि बैंक्स ने भी 1.25 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो ब्रोकर्स ने जो है वो सेलिंग की है 1.21 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग की है और इंडिविजुअल भी सेलर था अदर सेक्टर में। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डाटा था आज का।